हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जो है स्कूल के अंदर जो है वो कुछ गेस्ट आए हुए हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से और मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज आपको दिखाते हैं कि स्कूल के अंदर कहाँ कहाँ से गेस्ट जो है वो आते हैं और स्कूल किस तरह जो है उनको वेलकम करता है, ये आपको दिखाते हैं। ये जी स्कूल के बच्चे सारे वेलकम के लिए खड़े हैं और ये आप जैसे पीछे नजर आओगे ये रास्ता है वेलकम करने के लिए बैंक के लिए, ये सारा स्कूल है बैठे आओ। अच्छा, ये गेस्ट है जी जो आ रहे हैं ये वाले, ये जिनको ये वाले ये वेलकम कार्ड है जी, ये वेलकम कार्ड है जी। बस ये देखिए बड़े अच्छे तरीके से वेलकम कर रहा है जी। तो फ्रेंड्स, ये क्लास है जी, क्लास में बैठे हैं बच्चे और ये आज सीधे स्कूल में विजिटर्स आए हुए हैं, फॉरेन गेस्ट आए हुए हैं, तो वो विजिट कर रहे हैं। तो ये बैग नहीं लेके आए आज और ये उनको विजिट करने, जब उनको विजिट करके चले जाएंगे तो इनको छुट्टी हो जानी आज जल्दी। तो इसके बाद देखते हैं क्या होना है। और ये इस तरफ भी लड़के बैठे हैं, ये कुछ बच्चों ने गेस्ट के लिए ये प्रिपेयर किए हैं जी, कार्ड्स प्रिपेयर किए इनको प्रेजेंट करने के लिए। और आइए, ये नितिन जूलियस है जी, ये देखें ठीक है। और ये हीरो है जी क्लास का, गट्टू रोन। और अरे तुमने भंगड़ा डालना है, भंगड़े में हो। तो ये ब्रदर रोरी हैं जी, ये ब्रदर रोरी जो है बच्चों को टीच करने लगे हैं और ये एक गेम है जिसके ज़रिए ये बच्चों को बता रहे हैं कि आप जो है, असल में ये इंग्लिश बोल रहे हैं इसलिए मुझे उर्दू में जो है वो बात बतानी पड़ रही है। तो ये इन्होंने कुछ इधर लिखा है और उसके बाद देखिए ये यहाँ पर बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे जो है बच्चे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव जो है वो कर सकते हैं। और ये बड़े खूबसूरत अंदाज में ब्रदर रोरी जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं और ये देखें ये कितने खूबसूरत अंदाज से इनको समझाएंगे। और ये वो बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप कोई भी जो लेटर है ए बी सी डी में से कोई भी लेटर जो है वो आप बोलें, तो वो जो लेटर है उसके मुताबिक ये कोई बताएंगे कि क्या करना है। बड़े खूबसूरत अंदाज में इनके समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा था। और ये देखें ये बड़े प्यारे अंदाज में बच्चे जो है बैठे हुए हैं खूबसूरत अंदाज में और ये पूरे बच्चे जो है ये बोल रहेंगे कुछ और ये बच्चों को बता रहे हैं कि आपने कैसे जो है वो वर्ड बनाना है। और बच्चों को वो पूछ रहे हैं कि कोई भी आप लेटर जो है वो बोलें, कोई भी लेटर। तो बच्चे जो हैं वो बोलते हैं कोई भी अपने जहन के मुताबिक जो है वो लेटर बोलते हैं, तो जिन्होंने भी ये लेटर बोला है वो उसके मुताबिक जो है वो बोलते हैं। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जो बच्चा जो है वो बोलता है कि ए बी सी, इस तरह जो है वो लेटर अपने हिसाब से बोल रहे हैं। तो वो बच्चे से देखे पूछ रहे हैं कि कौन सा लेटर जो है वो बोलते हैं आप, तो उसने जो बताया कि अब मैं जो है वो ये लेटर बोलने चाह रहा हूँ, ये बच्चों को बताएंगे कि ये वाला लेटर जो है बोले। देखिए उसने क्या सा लेटर बोला है जी, और हाँ ये उसने एफ बोला है, ए उसने ए बोला है, ए वो देखे मुख्तलिफ जगहों पर इसको जो है वो लिख दिया जाएगा। और ए लिखने के बाद देखिए उन्होंने तीन जगहों पर ए को जो है वो लिख दिया है। तो अब वो बच्चे से पूछ रहे हैं कि कोई और लेटर जो है वो आप बोलें, इसके साथ वो कोई और लेटर बोल रहे हैं। तो जो अगर तो वो लेटर जो है उस वर्ड के साथ मैच हो रहा हो जो इनके जहन में है, जो ब्रदर रोरी के जहन में वर्ड है अगर तो वो उसके साथ मैच हो रहा हुआ तो वो उधर लिख देंगे वो ऊपर जहाँ पर खाली जगह है, फिल इन द ब्लैंक है। लेकिन अगर वो उससे मैच नहीं होता हुआ तो फिर वो ऊपर नहीं लिखेंगे बल्कि इधर नीचे जो है उसको क्रॉस करेंगे किसी हिसाब से जो है वो लिखेंगे। ऊपर उन्होंने सबसे पहले हैंगमैन लिखा हुआ है, अगर वो आप जूम करके देखो सामने देखें तो ऊपर हैंगमैन लिखा हुआ है और हैंगमैन के साथ जो है अगर आप देखें तो ये नीचे उन्होंने जो है वो स्पेलिंग जो वो लेटर लिखना जो वर्ड लिखना चाह रहे हैं उसके उन्होंने स्पेल वो लिखा हुआ है, लाइनें लगाई हुई हैं, उतनी ही लाइनें लगाई हैं। अब ये बच्चे जो है वो देखे बोल रहे हैं मुख्तलिफ लेटर बोल रहे हैं और वो जो लेटर बोल रहे हैं उसके मुताबिक वो लाइन लगा रहे हैं ठीक है। अभी ये देखें यहाँ पर उसने डी बोल दिया है, पहले ए बोला है और अभी उसने डी बोल दिया है और अभी उसने एफ बोल दिया है। एक ने उसको क्या बोल दिया जी, एफ बोल दिया है। अभी ये यहाँ से जो है आपने लफ्ज़ बनाना है, ये एक मेथड उन्होंने बताया कि आप किस तरह जो है अपने अपनी इंग्लिश को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने लेटर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखे उन्होंने एक लेटर बच्चों को समझ लग गई थी, यहाँ पे देखे उन्होंने लफ्ज़ फैसलाबाद जो है वो बनाया है।
तो ये देखिए यहाँ इस तरीके से उन्होंने टीच किया है कि किस तरह जो है आप बच्चों को जो है वो अपने बच्चों को जो है वो टीच कर सकते हैं मुख्तलिफ बच्चों की स्पेलिंग करेक्शन के लिए या उनको जहीन बनाने के लिए। ये बता रहे हैं कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहती हैं तो आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगी, अगर आप बोलेंगे नहीं तो इंग्लिश जो है वो कभी भी आएगी नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो यहाँ पे जो है वो बच्चों को बता रहे हैं कि आपने इंग्लिश सीखनी है तो आपको इंग्लिश जो है वो बोलनी पड़ेगी, और अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप इंग्लिश को जो है वो सीख भी नहीं सकेंगे। ये बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने ये तरीका बताया कि आप किस तरह जो है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, ये इनका तरीका था कि किस तरह जो है वो टीच किया जा सकता है, किस तरह बच्चे जो है वो इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं। बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने ये बातें बताई हैं। तो अभी आगे जो है वो बच्चों को कुछ समझा रहे हैं बातें कि आप किस तरह जो है अपने घर वालों के साथ जो है वो बना सकते हैं, क्लासरूम में किस तरह जो है आप इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बड़ी उन्होंने खूबसूरत बातें जो थी वो बच्चों को बताई थी कि किस तरीके से आप क्लास के अंदर जो है अपनी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, किस तरह की आपको बातें करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ कैसे जो है वो रहना चाहिए। बड़ी प्यारी प्यारी बातें इन्होंने बताई और बच्चे बड़े खुश हुए। अच्छा, ये जो साथ में दूसरे ब्रदर हैं ये उनको बता रहे हैं बच्चों को कि आपने बहुत जहीन शख्स से आज जो है वो क्लास ली है और ये बहुत इंटेलिजेंट है। तो वो दूसरे जो ब्रदर रॉरी हैं वो कहते हैं कि ये जो साथ में ब्रदर आए हुए हैं ये मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। ये बहुत खूबसूरत बात उनकी मैंने सीखी उनसे। तो ये बच्चों से उन्होंने कुछ सवालात भी किए, बच्चों ने क्वेश्चनिंग भी की थी जो जिनके उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से जो है वो जवाब दिए थे। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने क्लास के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन की। अच्छा, तो ये देखें ये क्लास के अंदर जो बच्चों ने उनके वेलकम के लिए मुख्तलिफ कार्ड जो थे वो डिस्प्ले कार्ड्स वेलकम कार्ड जो थे वो प्रिपेयर किए थे। असल में ये